ताज बेगम अपने कुटिया में जमीन पर ही पड़ी है, नींद आ गई, लेकिन जैसे ही नेत्र बंद हुए, तुरंत नेत्र बंद नींद आने के बाद एक दिव्य सपना वह देखती है। क्या? आहा, एक ऐसा सपना देखा कि जैसे कोई बहुत दूर नीली रोशनी है, नील वर्णधारी भगवान गोविंद देव जी आते हैं, माथे पर टेढ़ा सा मोर का पंख, टेढ़ा मुकुट लगा है, श्याम सांवले रंग का वर्ण है, रंग है, मोतियों की मालाएं हैं, गुंजा माला धारण कर रखी है, नीचे पीतांबरी पहन रखी है पूरे शरीर को ढकने के लिए। आज बाल स्वरूप भगवान बाल कृष्ण भगवान ने काले रंग की कामरिया धारण कर रखी है, बंसी बजाते हुए उस नीली रोशनी के मध्य में भगवान कृष्ण आते हैं और उस सोती हुई ताज से कहते हैं, अरे ताज तुझे भूख लगी होगी ना, देख मैं तेरे लिए अब भोजन लेकर के आया हूं, अपने हाथ से भोजन कराया सपने में, अपने हाथ से भोजन कराया, अपने हाथ से जल झारी, जो मंदिर में झारी जी रखी है पानी और जो बंटा रखा है प्रसाद सोने चांदी के पात्र हैं, उनको लेकर के आज निज रूप से। लेकिन जैसे ही नेत्र खुले, देखा तो कछु लेना ना देना, वो तो सपना है, लेकिन जब देखा, अरे ये सपना तो था, लेकिन बराबर में भगवान के गोविंद देव जी के मंदिर के ये सोने के बर्तन जिसके अंदर भोजन प्रसाद है, ये चांदी की झारी जिसके अंदर ठाकुर जी जल पीते हैं यहां रखा है, गोविंद देव जी के मंदिर में शोर मचा, भगवान के बर्तन चोरी हो गए, चोरी हो गई। खबर ताज बेगम के पास पहुंची, अपनी दासियों को भेजा, कहो कि यहां रखे हैं ये बर्तन, और मन में भाव आया ताज बेगम के कि हे प्रभु, आपको मेरी वजह से इतना श्रम करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको भोजन थाली जल झारी लेकर के मुझे तुच्छ मुस्लिम दासी की कुटिया में आना पड़ा। रुदन करती है, हे गोविंद तुम कितने कृपालु हो, तुमने आज ये भेद मिटा के दिखा दिया कि भगवान कभी जात नहीं देखते, पात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। और एक रचना लिखी है ताज बेगम ने कि छेल को छवीला, आहा, जो जो देखा वो सब कुछ जो सपने में देखा उसे लिख दिया एक पद, छेल को छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छेल को छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित का हटीला सब देवन से प्यारा है। इतना जिद्दी मैंने ऐसे ठाकुर कभी नहीं देखो कि मैं जिद्दी हूं, मैंने सोचा मोते भी ज्यादा जिद्दी, अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए आज धर्म और पंथ का भी त्याग कर दिया। छेल को छवीला बड़ा छलिया है, बड़ा छेल बिहारी है, और ताज बेगम की वजह से भगवान का नाम पड़ा छेल बिहारी। गिरिराज पर्वत को उठाया तो गिरधारी, माखन चोरी किया तो माखन चोर, रण छोड़ के भागे तो रण छोड़ लाल, लेकिन यहां पर एक ऐसा छैल, एक ऐसा नजारा करके दिखा दिया अद्भुत, अपनी विधि के विरुद्ध, अपने धर्म पंथ के विरुद्ध, अपने शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के एक मुस्लिम भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे प्रभु मंदिर छोड़ करके और ताज बेगम की कुटिया में चले आए। छेल को छबीला सब रंग में रंगीला, ओ बड़ा चित का हटीला सब देवन से न्यारा है, माल गले सोहे
गले में मालाएं हैं, नाक मोती से तिजो है, नक पेसर, नाक में भी यहाँ पर नख पेसर लगा है, कान कुंडल मन मोहे लाल, मुकुट सिर धारा है, कानों में कुंडल लाल रंग का मुकुट और उसमें मोर पंख। हाँ, दुष्ट जन मारे, जिसने अनेकों कंस आदि राक्षस का वध किया, दुष्ट सन मारे सब संतन उबारे, संत अपने भक्तों का रखवाला है, ताज चित में निहारे, और मुझ तुच्छ दासी ताज ने अपने मन में उस प्रीतम के दर्शन करने की चाह उत्पन्न करी, ताज चित में निहारे, प्रण प्रीति करन वाला है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जो भक्त जिद्द कर लेते हैं अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए, भगवान अपने संकल्पों को भी त्याग देते हैं। और बताया कि वो नंद जू का मारा, अरे वो नंद जू का प्यारा, जिनो कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वाला, वह नंद गाम वाला, कि कृष्ण साहिब हमारा है, साहिब हमारा है, वो नंद गाम वाला कृष्ण साहिब हमारा है, जो सपने में देखा वो इस पद में लिख दिया। माने भगवान कहते हैं कि मैं भगतन को दास, हमारे वृंदावन में भगवान क्या कहते हैं कि मैं भगतन को दास और भक्त मेरे मुकुट मणि, जो भक्त मुझे भजता है उसे मैं चरणों में स्थान देता हूं। अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान तो ये है कि मैं ब्रज भक्तों का तो दास हूं, और ऐसे ब्रज भक्तों को जो ब्रज की महिमा से ओत प्रोत होकर के और कृष्ण भक्ति करें, उनके रहने के लिए मेरे चरण नहीं है, उनको तो मैं अपने सिर पर सरोधार्य करता हूं। आहा, इधर सूत जी कहते हैं, इधर सूत जी कथा सुना रहे हैं, एक ताज बेगम भगवान को प्राप्त कर जाती है, और हम भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, जीव अगर चाहे भगवान को प्राप्त करना तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, केवल हमारे मन में वो भाव ही कभी नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग सात, तू खाली संकल्प कर प्रभु हम तुझे पाना चाहते हैं, अरे तू तो मुझे क्या पाएगा, मैं तेरे पास स्वयं ही चला आऊंगा, कम से कम अपने चित्त में अपने मन में अपनी आत्मा में वो प्रेम तो प्रकट कर। आज तक हम भगवान, हमने कुछ संतों से सुना कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं, मुझ में तुझ में बस भेद यही कि मैं नर हूं और तू नारायण है, प्राप्त करना कठिन नहीं है, और वो तो हर पल दर्शन देता है। आप देख रहे हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम देख पाएं। पहले श्लोक का, भागवत जी के इस श्लोक का यही महत्व है, जन्मा दस्य यतोन वयादि तरतश्चार्थे सभिज्ञ स्वराट तैने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदाम यथा भिन्मयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि।
देखने की सामर्थ हम जो देख रहे हैं यहाँ बैठकर, वो देखने की सामर्थ हमने वो परमात्मा ने दिव्य शक्ति प्रदान करी। वो बोलने की सामर्थ हम गद्दी पर आकर के बोल रहे हैं, ये अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान तो ये है, हमारी ड्यूटी केवल घर से चलकर गद्दी तक पहुंचना है। यहाँ बैठ करके ना तो भैया, हम तो ब्रजवासी, अनपढ़ गंवार ब्रजवासी है, हम पर कोई कथा वथा ना आवे। इस गलत फहमी में मत रहना, कभी गद्दी से उतरने के बाद ये ज्ञान, ये रहस्य पूछ मत लेना, हम कह ना पाएंगे। हम तो यहाँ गद्दी पर आते हैं और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, प्रभु मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, अब तो आप ही कृपा करो। नेत्र बंद किए ठाकुर जी स्वयं ही अंतरात्मा में, बुद्धि में प्रवेश करके कथा भी वो स्वयं ही कहते हैं, मेरा इसमें कोई भी सहयोग नहीं। अगर इतने ही ज्ञानी वाणी होते तो ऐसे दुखी है वे की कहा जरूरत ही, अपने घर में ही एक ऑफिस बनाते। हाँ भैया का कष्ट बेटा चाहिए, ये मंत्र दे 5,000 रुपया। कामना चल रहो, ये मंत्र ले दे 50,000 रुपया। ऐसे तो घर पे ही बैठ के पूछने थे। इस गलत फहमी में मत रहना कि हम कोई बहुत ज्यादा विद्वान हैं, ये सत्य बताई देते हैं। बस एक बात है, बड़े भागन थे, मानस देह पायो, मनुष्य देह प्राप्त हुआ, और वह मनुष्य देह भी ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल के भी नंदगाम में, नंदगाम के भी गोस्वामी समाज में, और गोस्वामी समाज में जन्म लेने के बाद इतने सुंदर परिवार में कि ये भगवत कथा स्मरण, इनको याद करना, बोलना, सुनना, सुनाने का काम मिला, और इसी से आजीविका, इससे ज्यादा बड़ा कोई भाग्य हो सकता है? मैं मानता नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो माने मन में केवल यही भाव रखो, ना जाने तुम्हारी कौन से बाल हट पर, ना जाने तुम्हारे कौन से प्रेम पर भगवान रीझ जाएं, और ना जाने कब आकर के कहें, ओ मैया तू यहाँ कथा सुन रही है, मुझे भूख लग रही है, चल घर चल जल्दी, मुझको माखन मिश्री खवा दे, और जातना ठाकुर जी ने आकर के दर्शन दे दिए ना, वादना हम सबको जीवन सफल है जाएगा। मेरा भी उद्देश्य वही है, आपका भी उद्देश्य वही है, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है। जयति ते दिगं ये जन मना ब्रजा श्रयते इंदिरा गोपियां क्या कहती हैं? गोपियों का विरह गीत है ये। गोपियां क्या कहती हैं? जयति तेधिकम ये जनमना ब्रजा। हमारा जीवन सफल तब है जब हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में, हमारे भाव में, हमारी चक्षुओं में, हर जगह पर केवल तुम अगर विद्यमान हो, और तुम ही अगर हमें छोड़ करके जाओगे तो फिर जीवन का कोई अर्थ बचता नहीं। हो कैसे जीऊ मेरा धारानी तुम्हारे बिना। सभी आत्मा से गाएं कि कैसे जीऊ, अगर आप अब तक की जिंदगी जिए हो तो पछताओ, अगर आज तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर रोना प्रारंभ कर दो। केवल एक ही बात कहो कि कैसे जीऊ मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ही ना लागे तुम्हारे बिना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। जब तक आप मिलोगे नहीं, मेरी आत्मा की प्यास कभी बुझेगी नहीं। सभी बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राधे।